ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा पहला वीडियो है वो हम वेबसाइट डेवलपमेंट हम सीखने जा रहे हैं, और ये जो वीडियो है हमारा किड्स के लिए है। सो आज का जो वीडियो हम फॉलो कर रहे हैं उसके लिए स्टूडेंट एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए। इस वीडियो को वही स्टूडेंट्स फॉलो करें जो कि क्लास 3 और 4 से ऑनवर्ड है बेसिकली, या तो वो क्लास 3 में है या उससे ऑनवर्ड क्लासेस में है, तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और इस पूरी वीडियो सीक्वेंस में जो आगे चल के मैं बनाऊंगा, इसके अंदर मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाऊंगा, ठीक है। और इसमें एज जो है मिनिमम एज 8 ईयर या उससे ज्यादा के हिसाब से मैं पूरा कंटेंट प्रिपेयर करूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज वेबसाइट? सो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है। सो जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। जिस प्रकार से एक बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं तभी आप उसको क्या कहते हैं, बुक कहते हैं, उसी प्रकार से आपके पास एक वेबसाइट है तो वेबसाइट के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे वेब पेजेस। जैसे कि आप ये कॉपी देखिए, ये बुक देखिए, आप मेरे पास एक बुक है कि नहीं है, और इस बुक के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं तभी इसको मैं क्या कहूंगा, बुक कहूंगा। अगर मैं ये सारे पेजेस इसमें से निकाल दूं तो ये बुक नहीं होगी, इसको हम बुक नहीं कह सकते हैं। तो हमारे पास जो है, हम वेबसाइट जब बनाते हैं उस वेबसाइट्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, और उन पेजेस को हम क्या कहते हैं, वेब पेजेस कहते हैं, ठीक है। अ वेबसाइट कैन हैव मेनी वेब पेजेस, जो वेबसाइट होती है उसके कितने वेब पेजेस हो सकते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। ईच वेब पेजेस आर कनेक्टेड विथ लिंक्स, सो वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप ये इस बुक को देखिए, इस बुक का हर पेज आपस में कनेक्टेड है क्या? डेफिनेटली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास सारे पेजेस आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और अगर आप इस बुक को केयरफुली देखेंगे तो यहाँ पर बुक्स लगे हुए हैं। सो इसी तरीके से ये बुक बाइंड है, कनेक्टेड है, और सारे पेजेस आपस में कनेक्टेड हैं। उसी प्रकार से बच्चों, आप कभी अगर वेबसाइट बनाएंगे तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे, वेब पेजेस बनाने पड़ेंगे, और उन सारे वेब पेजेस को आप किससे कनेक्ट करेंगे, लिंक्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। लिंक्स कैसे बनाते हैं ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम समझते हैं कि एक वेबसाइट क्या होती है और पेजेस हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब देयर आर थ्री फ्रंट एंड लैंग्वेजेस यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, तीन फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस होती है, कुछ कुछ लैंग्वेज होती है जो कि वेबसाइट बनाने के लिए जरूरी है। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। आज मैं आपसे हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपसे कुछ कह रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, ये हिंदी हमारी लैंग्वेज है। उसी तरीके से वेबसाइट बनाने के लिए भी कंप्यूटर एक लैंग्वेज समझता है। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो कंप्यूटर को उस लैंग्वेज में आपको कुछ निर्देश देने होंगे, कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे, जिससे कि कंप्यूटर आपके लिए क्या बना सके, वेब पेजेस बना सके। तो बताइए बच्चों, ऐसे हमारे पास कितनी लैंग्वेज अवेलेबल है जिसके सहायता से हम अपने वेब पेजेस बना सकते हैं? हमारे पास तीन ऐसी लैंग्वेजेस हैं। तो सबसे पहली लैंग्वेज हम कहते हैं फ्रंट एंड की, HTML, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज होती है CSS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और तीसरी लैंग्वेज होती है जावा स्क्रिप्ट। तो अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है बच्चों, तो आपको जो है तीन लैंग्वेज यूज करनी होगी, और उनको फ्रंट एंड कहा जाता है। तो तीन लैंग्वेज का आपको उपयोग करना है, तीन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए कंप्यूटर की, और उन लैंग्वेज के थ्रू आप क्या बना सकते हैं बच्चों, वेब पेजेस बना सकते हैं। और अगर वेब पेजेस आप बनेंगे तो उन वेब पेजेस को आपको क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, लिंक्स के थ्रू आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप एक से ज्यादा वेब पेजेस बना लेते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, एक वेबसाइट बन जाती है। सो यहां पर जो है आपको HTML यूज करना है, CSS लैंग्वेज यूज करना है, और JavaScript लैंग्वेज यूज करना है। सो HTML जो होता है उसको हम स्ट्रक्चर लैंग्वेज कहते हैं, CSS जो है उसे हम डिजाइनिंग लैंग्वेज कहते हैं, और JavaScript जो है हमारा बिहेवियर लैंग्वेज कहते हैं। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं, पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा।
जैसे कि आपका एक नए नए घर का कंस्ट्रक्शन हुआ है एंड देन उसका जो है आप HTML यूज करेंगे और यहां पर CSS जो है वो आप कलरिंग के लिए यूज करेंगे एंड बिहेवियर जो है वो आप उसका जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करेंगे। जैसे कि आपने नया नया घर बनाया तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, वो उसको आप कहते हैं कि हमने बिल्डिंग जो है हमने नया बिल्डिंग बनाया है, तो आप क्या करोगे अपना नया घर जब बनाओगे सबसे पहले क्या करोगे आप स्ट्रक्चर उसका बनाओगे, उसके बाद आपकी बिल्डिंग बन जाएगी तभी तो आप कलर करोगे, ठीक है। तो कलर करने का काम कब होता है, बिल्डिंग बनने के बाद। फिर आपने अपनी बिल्डिंग बनी, आपने कलर किया, उसके बाद जो है आप क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिशियन और उसका जो काम है वो आप कब करेंगे, सबसे लास्ट में बिहेवियर का। सो उसी प्रकार से अगर आप वेबसाइट बनानी है आपको तो सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, HTML, फिर उसके बाद क्या करेंगे CSS, और उसके बाद क्या यूज करेंगे JavaScript। तो बताइए बच्चों अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी हो गई, CSS, क्योंकि सारा डिजाइनिंग का काम जो है वो CSS कंट्रोल करता है। क्या सिर्फ CSS से आप वेबसाइट बना सकते हैं, नहीं, जब तक स्ट्रक्चर नहीं प्रिपेयर होगा तब तक हम उसको डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई घर बना हुआ है, कोई बिल्डिंग है, तभी तो कलर करोगे, विदाउट बिल्डिंग आप कलर कहाँ करोगे। सो आपने कोई नया घर बनाया है, आप पहले बिल्डिंग उसको बनाओगे उसके बाद तो कलर करोगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर कलरिंग का काम कब होता है, बिल्डिंग बनने के बाद में। तो जब आप वेबसाइट बनाओगे तब सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप क्या करोगे डिजाइनिंग करोगे, उसके बाद ही कुछ एडिशनल वर्क करोगे, जैसे कि हमें इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, फैंस कहाँ लगाने हैं, AC कहाँ लगाना है, फ्रीज कहाँ लगाना है, ये सारी जो लास्ट की जो टास्क होते हैं उनको हम कहते हैं बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब कहाँ पर कौन सी चीज रखनी है, कैसे काम होगा, वो सारा काम जो होता है हम बिहेवियर में डिसाइड करते हैं। सो अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो आपको किन तीन लैंग्वेजेस का यूज करना पड़ेगा, HTML, CSS एंड JavaScript। HTML क्यों यूज करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या याद रखना है, एक जो बिल्डिंग आप बनाते हैं, आप घर का नया नया घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। उसके बाद जब आपकी बिल्डिंग बन जाती है तभी आप उसको क्या करते हो, डिजाइन करते हो, उसको कलर करते हो, तो उसको हम कहते हैं डिजाइनिंग, इसको है ना डिजाइनिंग कहते हैं। और लास्ट में जो होता है पूरी बिल्डिंग बनने के बाद इलेक्ट्रिशियन का जो काम होता है वो सबसे लास्ट में होता है, और हम कहते हैं कि इस रूम में हमारे यहाँ पर स्विच बोर्ड होना चाहिए, AC यहाँ लगना चाहिए, फैन यहाँ लगना चाहिए। सो जो बिहेवियर का काम है कि किस बटन के क्लिक करने पर फैन चालू होगा बंद होगा, तो ये सारा टास्क जो है सबसे लास्ट में आप देते हैं। तो वेबसाइट का काम भी कुछ बिल्डिंग की तरह ही होता है कि सारी वेबसाइट जब आप बनाते हैं तब आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, देन उसको आपको वेबसाइट को कलर करना पड़ता है, और वेबसाइट के अंदर कोई बटन है तो बटन के क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, वो सारी जो बिहेवियर से रिलेटेड जो टास्क है उसके लिए आप क्या करोगे, वो आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे। सो वेब पेजेस बनाने के लिए हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सो अब जो है मैं आपको एक सिंपल सा एक वेब पेज बना के बताता हूं, आप अपनी ड्राइव पे चले जाएं। ड्राइव का मतलब आप ये देख सकते हैं, ये सी और डी जो होते हैं ये ड्राइव्स कहलाते हैं। इन ड्राइव्स में आप कहीं पे भी जाइए और एक आप अपना फोल्डर बना लेना, मैं ये फोल्डर्स कहलाते हैं, ठीक है, इनको आप फोल्डर भी बोलते हैं, डायरेक्टरी भी बोलते हैं। सो आप किसी भी एक डायरेक्टरी में जाके यहाँ बाहर भी बना सकते हैं ना। सो यहाँ पर एक मैंने फोल्डर बनाया और इस फोल्डर को नेम दे दिया, आपने कुछ भी आप नाम दे दीजिए, वेबसाइट। आपने एक वेबसाइट नाम का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर जो है आप न्यू में जाना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जाना है, ठीक है, न्यू में जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जाना है और इसको जो है आपको रीनेम करना पड़ेगा। सो राइट क्लिक करके रीनेम पे जाना है और इसको आप नाम दे देना, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, बट इसको नाम इंडेक्स देना है। और ये जो डॉट लगता है इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। सो डॉट के बाद आपको क्या लिखना है, HTML लिखना है, index.html। अब इसको ये फाइल बन गई, अब इसको राइट क्लिक करके आपको किस में ओपन करना है, नोटपैड में ओपन करना है। सो यहां पर आप जाना
विंडो आर प्रेस करना, ठीक है, या फिर यहाँ पर जाके आप इसको नोटपैड लिख सकते हो, ये नोटपैड लिखा और इसमें इस फाइल को आपको ओपन करना है। डी ड्राइव में गए, वेबसाइट एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स, और ये देखिए इंडेक्स डॉट HTML, ये फाइल मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। इसको ओपन करने का दूसरा तरीका फिर से बता रहा हूँ, राइट क्लिक करना है, ओपन विथ नोट पैड, इससे ओपन करना है आपको, नोट पैड में ओपन करना है। अभी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं, इसीलिए हमें नोट पैड यूज करना है। आगे चल के मैं आपको नोट पैड के अलावा और क्या यूज कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पर जो है HTML के अंदर हमें कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ती है और उस लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। सो यहाँ पर जो लैंग्वेज जो हमें लिखनी है वो हमारी HTML लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो हमने जैसे कि आपको पॉइंट में बताया कि HTML के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले वेब पेज बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। सो कोई सी भी वेबसाइट आप बनाएं तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको कुछ टैग्स लिखने पड़ते हैं। तो सबसे पहला टैग आपको HTML लिखना है, ठीक है, क्या लिखेंगे, HTML, और दोनों को किस में लिखना है आपको, एंगल ब्रैकेट के अंदर। ये देखो ये कौन से ब्रैकेट्स हैं, एंगल ब्रैकेट्स। सो ये एंगल ब्रैकेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, है ना, देखो शिफ्ट शिफ्ट के साथ ये प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस किया, ये प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, HTML, क्या स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, ठीक है ना। क्या स्पेस देना है, नहीं देना है। सो यहाँ पर ये ध्यान रखना HTML, उसके बाद ये HTML, ठीक है। सो ये जो है ये HTML के क्या कहलाते हैं, टैग्स कहलाते हैं, टैग, ठीक है। ये स्टार्टिंग टैग है और ये एंडिंग टैग है, स्टार्ट एंड, है ना। सो ये टैग्स कहलाते हैं, ठीक है। सो HTML टैग आपको लेना है, स्टार्ट टैग लेना है, नीचे जाके एंड टैग लेना है, उसके बाद अंदर आना है, टैब देना है, और उसके बाद आपको कौन सा टैग लेना है, हेड टैग लेना है। कौन सा टैग लेना है, हेड टैग लेना है। HTML का स्टार्ट, HTML का क्लोज, हेड का स्टार्ट, हेड का क्लोज। अब हेड के बाद जो आता है, हेड के बाद आता है बॉडी, हेड के बाद कौन आता है, बॉडी। हेड का मतलब सिर, बॉडी का मतलब बॉडी, ठीक है ना। सो हेड ऊपर होगा और बॉडी नीचे होगा। सो ऊपर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हेड लिखना है, और यहाँ पर बॉडी जो है हेड के बाद में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर बॉडी में जाके यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है। सो ये पी फॉर पैराग्राफ, और पी का स्टार्ट, पी का क्लोज, है ना। हर टैग को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इनको क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट, क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट। सो हर एक को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखना है। आपकी जितनी भी आपको वेबसाइट बनानी है वो किसके अंदर बनाओगे, बॉडी के अंदर, है ना। सो HTML टैग, HTML टैग के अंदर कौन से दो टैग आते हैं, हेड और बॉडी, और जितना भी आपको कोड लिखना है कहाँ लिखेंगे, आप बॉडी के अंदर। और पी का मतलब क्या होता है, पी फॉर पैराग्राफ। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, इंग्लिश रीडिंग करते हैं, पैराग्राफ होता है। तो पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ अ लाइन विच इज मोर देन, एक पूरा सेंटेंस जो एक से ज्यादा लाइंस का है बेसिकली, उसको आप पैराग्राफ कहेंगे, है ना। सो यहाँ पर आपने इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में यहाँ पर आना है, और ये जो लाइन ब्लिंक कर रही है इसको आप क्या कहते हैं, कर्सर, ठीक है ना। कर्सर कहाँ होना चाहिए आपको, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में, एंड यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, आपने लिखा हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। अब उसके बाद जाके आपको वो जो फाइल है उस पर आपको क्लिक करना है। अगर ये गूगल क्रोम का एक्सटेंशन नहीं आ, ये आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको यहाँ पर जाके ओपन विथ गूगल क्रोम करना है, ठीक है। सो मैं ओपन विथ गूगल क्रोम करूंगा। देखो आपने बना ली अपनी पहली वेबसाइट, हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट। तो यहाँ पर आपने ये फर्स्ट वेबसाइट आपने बनाई, और
यहाँ पर जाके आप रिफ्रेश करो, ये यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। आपने कुछ भी चेंजेस किया, जैसे आपने पहला पैराग्राफ लिख लिया, अब ऐसे कितने पैराग्राफ आप लिख सकते हैं बताइए, कितने भी। तो ये पी का स्टार्ट, पी का क्लोज। सो बताइए बच्चों, एचटीएमएल के अंदर मुझे अगर पैराग्राफ लिखना है तो कौन से टैग का यूज करूंगा मैं? पी टैग। सो पी का स्टार्ट एंड पी का क्लोज। सो एंड को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? ये एक स्लैश से। जब भी आपको स्लैश मिल जाएगा उसको आप क्या कहेंगे? दिस इज एंडिंग टैग, दिस इज स्टार्टिंग टैग। तो स्टार्टिंग टैग है और एंड टैग है। तो यहां पर मैंने लिखा हेलो अगेन, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहां पर गया रिफ्रेश किया, ये देखो दो पैराग्राफ आ गए मेरी वेबसाइट में। तो इस प्रकार से जो है आप अपना पहला वेब पेज बना सकते हैं। ये कोड को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आर्टिकल के अंदर लिख देता हूं, और इसको जो है पब्लिश कर देता हूं। ठीक है, चलो अब आप इसको जो है इसी कोड को आप लिखें और बनाएं सिंपल सा। सो एचटीएमएल का स्टार्ट, एचटीएमएल का क्लोज, उसके अंदर कौन आएगा? हेड एंड बॉडी, और पैराग्राफ और ये सारे टेक्स्ट कहाँ लिखने हैं? बॉडी के अंदर। ठीक है ना। सो पैराग्राफ का स्टार्ट और पैराग्राफ के क्लोज के बीच में जो कुछ भी आपको लिखना है, मैंने यहाँ पर लिखा हेलो दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, आप क्या लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पैराग्राफ आपको लिखना है इस पी टैग के अंदर लिखना है। ऐसे कितने पैराग्राफ ले सकते हैं? कितने भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको चलो करो, इसको प्रैक्टिस करो, इसको असाइनमेंट सबमिट करवाओ।